Hey guys, welcome back to Unstuck Biology. So guys, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है नीट 2021 एग्जाम डेट के लिए. सो अभी थोड़ी देर के पहले ही NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक अपडेट आई है, एक अपडेटेड नोटिस आई है जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन करा है ना. ये नोटिस ध्यान से पढ़ना है कि उसमें उन्होंने बोला है कि जो नीट 2021 का एग्जाम होने वाला है, जो कि BDS, MBBS, BAMS, BS, MS, BUMS और BHMS सारे कोर्सेज के लिए नीट आप देते हैं, राइट. नीट यूजी का जो 2021 का एग्जाम होना है उसकी डेट आ गई है ना. और उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है 1st of August. गाइस ध्यान से आप देखिए, 1st of August को हमारा 2021 नीट यूजी एग्जाम होना है. और आपका एग्जाम हिंदी, इंग्लिश और उससे रिलेटेड 11 लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है. तो 11 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हैं. और तीसरी चीज उन्होंने क्लियरली जो मेंशन की है कि ये पेन एंड पेपर मोड में होगा गाइस. इसका मतलब है कि एग्जाम आपका ऑफलाइन होना है, ऑफलाइन सेंटर पे जाकर आपको एग्जाम देना है. गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ऑफिशियल नोटिस मैंने आपके सामने खुला हुआ है ना, तो आप एक बार वापस से जाकर इस नोटिस को जरूर देखिएगा, ठीक है. इस नोटिस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार इस नोटिस को आप वापस से देख लीजिएगा. इसमें उन्होंने और भी चीजें बताई हैं. इसमें उन्होंने बताया है कि इसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना, जिसमें कि आपका टेस्ट किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, रिजर्वेशन क्या है, किस तरीके से सीट्स कैटेगराइज करी गई हैं, एग्जामिनेशन फीस क्या है और सिटीज कौन कौन सी होंगी एग्जामिनेशन की, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रही है ना, ये जो NTA की लिंक है, ठीक है, ये जो लिंक आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है. तो आप जब ये नोटिस ओपन करेंगे तो आप लिंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है. और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया, और क्या बताया इन्होंने, तो इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स नीट 2021 के लिए अपियर करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम में, वो आगे इस वेबसाइट, यहाँ पर दो वेबसाइट्स दी हुई हैं, एक तो nta.account.in, nta.ac.in और दूसरा नीट के लिए अलग से वेबसाइट उन्होंने बना दी है ntaneet.nic.in, है ना. इस पे आप रेगुलर विजिट करके सारी अपडेट्स चेक कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, अभी आपको पहले तो ये नोटिस एक बार पढ़ना है और उसके बाद आपको जो इन्होंने वेबसाइट विजिट करने के लिए बोला है जहाँ पर कि सारे आपको अपडेट्स मिलेंगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग, सिलेबस आप एक बार वापस से चेक कर सकते हैं, है ना, आपके रिविजन के लिए ये सारा आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है. और गाइज आपको एग्जाम के रिलेटेड, आपको फॉर्म फिल करने के, एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए. आप अपना डाउट या तो इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या फिर अपने डाउट्स मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो गाइज अब हमें हमारी डेडलाइन सेट कर लेनी है कि 1st of August, 1st of August की हमारी डेडलाइन है ना. और अभी हमारे पास अच्छे 4-5 months है प्रिपरेशन के लिए. तो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है तो आप आगे, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अपनी प्रिपरेशन वापस से शुरू कर सकते हैं. और अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हुई है तो आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो गाइस अपना डाउट ज़रूर बताइएगा मुझे. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोज़ मेरे मिलते रहे, ठीक है गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय.